रमजान के महीने में ये स्ट्रीट स्टाइल लॉलीपॉप जो है ना, ये बड़े मजेदार लगते हैं। एकदम ही लाल भड़कता रंग होता है इनका और एकदम ही मजेदार और टेस्टी होते हैं। एक होता है रेस्टोरेंट से लॉलीपॉप जो मंगाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन ये जो स्ट्रीट स्टाइल भड़कता लाल रंग वाला ग्रेवी वाला ये जो लॉलीपॉप होता है ना, जो इफ्तार के टाइम पे खाने का मजा ही कुछ और होता है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टार्टर्स है, इसकी भी रेसिपी हमने हमारे चैनल पर डाली है, तो इसे भी आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। लेकिन फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन लॉलीपॉप के साथ, साथ में मैं ये वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, 1 किलो चिकन लॉलीपॉप में जा रहा है अंडा। 1 किलो चिकन लॉलीपॉप में 1 अंडा डाला, अब ये दूसरा अंडा डाला, 1 मुट्ठी लहसुन डालना है और 1/2 मुट्ठी अब आपको अदरक डालना होगा। याद रखिएगा, 1 मुट्ठी चॉप्ड लहसुन और 1/2 मुट्ठी अदरक, ग्रीन चिली आप अपने स्पाइस अनुसार डालें, वैसे 1/2 मुट्ठी डालेंगे तो एकदम ही हिसाब में लगेगा। और ये है सेलेरी स्टेम्स, इससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। और सेलेरी स्टेम्स के बाद इसमें डाला गया है चिली सॉस, ओके। तो 1/2 मुट्ठी सेलेरी स्टेम्स डाला गया है और अब जा रहा है इसमें एरोमेट पाउडर और अब डाल रहे हैं व्हाइट पेपर। डालने के बाद अब आप डालेंगे इसमें नमक और अब जा रहा है इसमें 2 मुट्ठी कॉर्नफ्लावर, जी हाँ 2 मुट्ठी कॉर्नफ्लावर और 1 मुट्ठी मैदा। एक और बार बता देना चाहता हूँ, 2 मुट्ठी कॉर्नफ्लावर गया है और 1 मुट्ठी मैदा गया है और इसमें अब हल्का सा पानी डाल के इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है, एकदम ही आराम से मिक्स करें जब तक कि एक झोल ना बन जाए। अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स करना है धीरे धीरे पानी डाल के। दोस्तों, किसी भी रेसिपी को कवर करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उस रेस्टोरेंट ओनर को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है और फिर उनके दिए हुए टाइम पे मुझे जाके रेसिपी शूट करना पड़ता है, अगर वो इजाज़त देते हैं तो। और उनका जो दिया हुआ टाइम होता है वो अक्सर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, तो कई बार कुछ जगहों पर रेसिपी कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी मुश्किलात के बाद आप तक मैं रेसिपी पहुंचाता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल का टेक केयर करें। थैंक यू सो मच। सारी रेसिपीज रमजान के बाद भी मजेदार लगने वाली है और इसमें अब जा रहा है धनिया, हरा धनिया डालना है और अच्छे तरीके से फिर से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐसे ही लॉलीपॉप को आपको 1/2 घंटे तक रेस्ट करने रखना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें भड़कता वो लाल रंग आ जाए तो देखिए, 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे व्हाइट लॉलीपॉप बना लीजिए या फिर इसमें कलर डालिए रेड कलर और फिर पानी डाल के उसे रखिए 1/2 घंटे तक और फिर उसके बाद तल दीजिए। ऐसे तलेंगे तो व्हाइट लॉलीपॉप बनेगा ये वाला, और अगर कलर डाल के बनाएंगे तो ऐसा कुछ मैदा हो जाएगा आपका और लॉलीपॉप ये कलर वाला बनेगा। तो ऐसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, आपके लॉलीपॉप है कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लॉलीपॉप तो हमारे रेडी हो गए, चलिए अब आपको अब इसे ग्रेवी लॉलीपॉप कैसे बनाते हैं ये बताना चाहते हैं। तो 200 ml ऑयल में आपको कांदे को और शिमला मिर्च को भूनना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको सेलेरी स्टेम्स डालने हैं, जिंजर गार्लिक डालना है और ग्रीन चिलीज डालने हैं और इन्हें भी अच्छे तरीके से भूनना है। अब हम बना रहे हैं वो भड़कती लाल ग्रेवी। इस भड़कती लाल ग्रेवी में जाने वाला है अच्छा खासा शेजवान सॉस। शेजवान सॉस की रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप देखते नहीं हो फिर बोलते हो कि ये रेसिपी शेयर नहीं की। और हल्का सा उन्होंने ना सेलेरी स्टेम्स और भी छिड़का है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो स्पेलिंग लिख लीजिए CELERY, और ये आप गूगल में इमेज देख लीजिए। अच्छा, अब गया है इसमें चिली सॉस और टमाटो सॉस जा रहा है अच्छा खासा। अगर दिल खोल के, मतलब इसमें कोई हिसाब माप तोल नहीं होता, ये बिंदास ऐसे ही डालो, आप अपने हिसाब से बनाओ, मस्त एकदम बनने वाला है। हाँ, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा था जिन्हें सेलेरी स्टेम्स नहीं पता, तो CELERY आप डालिए गूगल पे, आपको तस्वीर दिखाई देगी, फिर उससे तरीके से आप समझ लीजिए कि क्या है वो और मंगवा लीजिए। और ये अब इसमें डाला है अच्छा खासा पानी। पानी डालने के बाद इसमें अब जा रहा है, इनफैक्ट कुछ भी डालने से पहले पानी को अच्छी तरीके से आपको उबालना है ताकि फ्लेवर्स ब्लेंड हो जाए और एडिबल रेड कलर जाने वाला है। जी हाँ, तो जो भड़कता लाल वाला आपको रंग दिखता है वो एडिबल रेड कलर की वजह से होता है। उसके बाद अब इसमें नमक गया है, व्हाइट पेपर गया है, एरोमेट पाउडर ही गया है। ये अजीनोमोटो का कजन भाई होता है, तो आप चाहे तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं या एरोमेट पाउडर डाल सकते हैं या मैगी सीजनिंग भी आप डाल सकते हैं।
एक बात याद रखिएगा, अगर आप इफ्तार में इसे खा रहे हैं रोजे के भूख के बाद आपने ये मसालेदार खा लिया तो एसिडिटी शूट अप होने का थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। एनीवेज कॉर्नफ्लावर पाउडर, इनफैक्ट कॉर्नफ्लावर वाटर डाला गया है, पाउडर डालेंगे तो गट्टे बन जाएंगे, तो कॉर्नफ्लावर का जो पानी है ये आप डालिएगा। कहने की बात यह है कि रोजा खोलने के बाद घपा गप इसे डायरेक्टली मत खा लीजिएगा वरना एसिडिटी हो सकती है। ये मसालेदार लॉलीपॉप खाने से पहले थोड़ा अच्छा खासा फ्रूट खा लीजिएगा, फिर नमाज पढ़ने के बाद आप इसे खाइएगा। दिस इज ओनली इफ यू आर फास्टिंग, अदरवाइज ऐसे तो आप हफ्ते में दो बार खा लीजिए, इसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। सो अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई और इसमें अब जाएगा हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर एंड स्प्रिंग अनियन ग्रीन। डालने के बाद आपने जो लॉलीपॉप तले थे ना वो आप डाल दीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। और ये एक और स्ट्रीट स्टाइल इफ्तार में खास करके मिलने वाले भड़कते लाल लॉलीपॉप की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप भी इस वीडियो को शेयर करिएगा वरना मैं भड़क जाऊंगा, नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस यही उम्मीद है कि भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल का टेक केयर करिए। फिलहाल मौसम खान शबा खैर करिए, शबा खैर, टेक केयर।